Hey guys, B2YT here. And अगर आप एक सच्चे इंडियन फ्री फायर प्लेयर हो ना, अगर आप इंडिया चाहते हो, इंडिया जीते, तो इस वीडियो को ना अपने 5-10 लोगों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दिस केस अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे को जीतना है एंड मेरे को इंडिया का नाम रोशन करना। फर्क नहीं पड़ता सामने विंसेंसो आए, BNL आए, कोई भी आए, तुम्हारा भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करता था अभी तक ग्लोबल रीजन पे। अब टूर्नामेंट्स में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड प्लेयर्स के बीच में होता है, जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर, उनके बीच में रिप्रेजेंट करने वाला था। तो फर्स्ट राउंड तो हमारे विंसेंसो भैया हमसे जीत गया। कल के दिन व्हाइट चप्पल फोर को उसने हराया एंड अभी तक पता है ना व्हाइट चप्पल फोर से मेरे से व्हाइट चप्पल फोर रीमैच की बोल रहा था, मतलब एक ऑफिशियल रीमैच चाहिए उसको ताकि वो मेरे को हरा सके दोबारा से। तुम्हारा भाई इकलौता प्लेयर है वर्ल्ड में जिसने व्हाइट चप्पल फोर को हरा दिया एंड अभी ना व्हाइट चप्पल फोर मेरे से रीमैच मारा। अभी देखो क्या ही विंसेंसो को मैंने मारा लगभग। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि किसी को मैं जीतने नहीं दूंगा। जितने भी दूसरे सर्वर के ओपी ओपी प्लेयर ही सकते हो, कम से कम इस वीडियो को अपने 10-15 लोगों के साथ तो शेयर कर दो यार, इंडिया को जिता रहा हूं। यहां पर मैंने एक गंदा वाला हेडशॉट मारा था विंसेंसो को। विंसेंसो की हेल्थ ऑलमोस्ट 50-60 बजी थी एंड उसको मेडिकेट डालने पे मजबूर कर दिया मैंने पैक करके। एंड यहाँ पे जाके ना एक और हेडशॉट लेगा, मतलब घूम पे जाके विंसेंसो को मैंने घूम को वन टैप ही मारा फिर भी। एंड ये लोग बोल रहे थे ना विंसेंसो की लाइक मैं एक रैंक प्लेयर हूँ, रैंक पुशर हूँ, जिसमें कोई भी कैरेक्टर स्किल गन एट्रीब्यूट तक मनाते हैं एंड मतलब पूरा फेयर मैच चला था। यहाँ पे विंसेंसो AWM लेके आया था एंड जैसे ही मैंने AWM को स्पॉट किया ना मैं थोड़ा कवर में आ गया क्योंकि विंसेंसो अच्छा चलाता है। एंड भाई तुम्हारा भाई वन टैप लेके चला गया उसको विंसेंसो को। विंसेंसो सोच रहा था ना मैं बाहर निकलूंगा। भाई देखो फर्स्ट कोई फालतू का मूवमेंट दिखाया, यहाँ पे विंसेंसो UMP चला रहा था एंड काफी अच्छी वो UMP चला रहा था। एंड गाइस आपने देखा होगा कि मैं फालतू का कोई भी ग्लोबल वेस्ट नहीं करा, मेरे को जितना जरूरत है केवल उतना। भाई इतना ओवर मूवमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विंसेंसो मेरे से जीत गया था। ये सेकंड राउंड 2v3 हो चुका था। तो गाइस देखो कल तो व्हाइट चप्पल फोर था, मतलब जो परसों मेरा मैच था ना परसों वहाँ पे खेल रहा है ना, बाहर के प्लेयर इंडियन की वैल्यू नहीं करते थे इंडियन प्लेयर की, बट अब ना लाइक वो एकदम शॉक हो चुके। इंडिया से भी ऐसे ऐसे प्लेयर है जो उनको हराने की दम रखते हैं। तुम्हारा भाई एक और वाला गंदा वन टैप लेके चला गया था, मतलब वन टैप की बाट लगा के रख दी यहाँ पे मैंने विंसेंसो की। एंड फर्स्ट चीज देखो कोई भी बहुत नाम कमा लिया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके। अभी टाइम है कि दूसरे सर्वर में जाके ना मतलब उनके घर में जाके उनको हरा के आना है। एंड यहाँ पे मेरे को विंसेंसो ले जाता है बिकॉज मैंने विंसेंसो को स्पॉट नहीं कर पाया था। विंसेंसो बिल्कुल राइट से आ रहा था एंड मेरे को लगा था कि वो सामने साइड से आएगा, बट चलो कोई ना थोड़ा बहुत चला इसलिए मैं हार गया। भाई मैं हरा के आऊंगा क्योंकि मैं जीतने हारने में विश्वास रखता हूँ। एंड गाइस कोई भी देखो हेट वेट मत देना किसी को भी। एंड सबसे पहली चीज़ एक कस्टम में तो हार जीत तो होती रहेगी। यहाँ पे विंसेंसो मेरे को 4v4 ले जाता बिकॉज अब मैंने डिसाइड कर लिया था अब उसको मेरे को राउंड नहीं देना कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे विंसेंसो ने मेरे को बहुत अच्छा मारा था, जितने भी उसने शॉट्स मारे थे ना ये वाला मेरे को बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि मेरे को मारने के बाद ही मेरे ऊपर ग्लू वॉल प्लेस हो गए थे, मतलब 16 अपने दोस्तों के साथ। और आप एक सच्चे इंडियन फ्री फायर लवर हो ना प्लीज शेयर कर देना क्योंकि तुम्हारा भाई देखो घर में घुस के उनको मार के आ रहा है और यहाँ पे तुम्हारा भाई फिर से रश मार देता है। एंड यहाँ पे मैंने विंसेंसो की पोजीशन स्पॉट कर ली कि वो राइट साइड है, राइट साइड से आया क्योंकि लास्ट टाइम वो लेफ्ट साइड से आया था। अब तुम्हारा भाई गंदा पागल हो चुका था कि अब उसको एक भी मैच नहीं जीतने देना, गंदा मूवमेंट दिखा रहा था ठीक है। विंसेंसो को फिर से मेडी डालने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसकी हेल्थ जा रही थी एंड उसको ऑलमोस्ट पता था कि B2YT मारता है ग्लोबल का नंबर वन गंदा मारता है। यहाँ पे मैंने 51 का अगेन हेड मारा। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने विंसेंसो की चड्डी खोल दी, इतना भयंकर मारना शुरू कर दिया ना उसको। एंड वो भी शॉक में होगा कि इंडियन प्लेयर कब से ऐसा खेलने लगा एंड वो भी एक ग्लोबल का रैंक पुशर। एंड देखो गाइस सिंपल सी बात है कि B2YT बहुत गंदा मारता है जब भी मारता है एंड एक और वन टैप। एंड तुम्हारा भाई ना ये जो ब्लू के कवर केस से एकदम निकल के जो वन टैप मार रहा था ना इस वक्त BNL मेरी ये कोई एक्सपेक्टेड ग्लिच है, आई डोंट नो। जैसे आपको पता होगा लीडर बोर्ड पे कोई भी बंदा कोई भी ड्रेस पहन के आता फिर वो एडम ही दिखता है ना, वो वाला कुछ ग्लिच आ रहा था। हम दोनों ही कुछ ना कुछ ड्रेस पहने हुए थे वो यहाँ पे नहीं दिख रही थी, बट उसको छोड़ते चलो। हम लोग यहाँ पे रश मार रहे थे विंसेंसो को लेके, मैं फिर से रश मार चुका था। अब यहाँ पे मैंने फाइनली स्पॉट कर लिया था विंसेंसो के पास AWM एंड अब मेरे को संभाल के खेलना था बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा फंस गए थे बट तुम्हारा भाई ने यहाँ पे विंसेंसो को अच्छा स्पॉट कर लिया था एंड बिल्कुल मौका नहीं दे रहा था विंसेंसो को मारने का। जैसे मैं हील करने आया था विंसेंसो मौके का फायदा उठा रहा था, बट तुम्हारा भाई देखो ग्लोबल का नंबर वन प्लेयर है, फुट स्टेप हर चीज पे नोटिस करता है। एंड गाइस तुम्हारा भाई ना फिर से विंसेंसो की जैसे पोजीशन मिलते ना इतना गंदा जाके वन टैप मार देता है विंसेंसो एंड अब दिखाता तुम्हारा भाई ऑल टलेगा था। विंसेंसो अभी पागल हो चुका था क्योंकि लाइक अगर वो एक भी राउंड हारा तो पूरा मीना सर्वर का उसने नाक कटा दिया एक तरह से। देखो बुरा मत मानना, फ्रेंडली वे में लेना, से फ्रेंडली कस्टम मानो आप इसको। एंड इस वक्त ना इंडियन सर्वर की दूसरे सर्वर के बंदे ना इंडियन सर्वर की इतनी तारीफ कर रहे थे ना जितनी बोलूं मैं उतनी कम है। B2YT लाओ ओपी छा चुका था वहां पे हर जगह पे, उनके मन में B2YT नहीं आ रहा था, ग्लोबल नंबर वन प्लेयर B2YT मुझसे निकल रहा था। एंड BNL मेरा वेट कर रहा था कब मेरा उसके साथ मैच होगा। यहाँ पे लास्ट मैच आ चुका था फाइनल राउंड, ये डिसाइड करेगा कि मैं इस राउंड में जीत जाऊंगा या विंसेंसो एक और मैच में से जीतेगा एक और राउंड। अब तुम्हारा भाई ना विंसेंसो की पोजीशन स्पॉट करके सीधा रश मारने चल देता है एंड भाई खत्म। तुम्हारा भाई विंसेंसो को हरा के ये ट्रॉफी अपने नाम के लिए एक और कदम आगे बढ़ चुका है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।